गाइस, आज हम बात करेंगे व्हाट हैपेंस इफ पर्सनल लोन इज नॉट पेड इन इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे, आपने पर्सनल लोन तो ले लिया, आपको आपका फंड भी मिल गया अकाउंट में, और आप सोच रहे कि यदि अगर हम इसकी रीपेमेंट ना करें तो क्या है, और अगर हम भाग जाएं या कुछ भी हम फ्रॉड कर लें, डिफॉल्टिंग कर लें तो। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि अगर आपने ऐसा किया, आपने अपनी रीपेमेंट नहीं की, तो आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए मैं यहाँ कुछ वार्निंग साइंस लेकर आई हूँ, जिससे आपको पता चले कि आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती है यदि आप डिफॉल्टिंग करते हैं या प्रीपेमेंट नहीं करते हैं लोन की। पर्सनल लोन हो चाहे कोई सा भी लोन हो, आपके लिए ये वार्निंग साइंस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लैंडर इश्यूज और नोटिफिकेशन। जो आपका लैंडर है, जिसने आपको लोन दिया है, वो आपको एक नोटिफिकेशन इशू करता है, जिसमें क्या होता है, आफ्टर द फर्स्ट और सेकंड मिस्ड पेमेंट लैंडर्स टिपिकली इशू अ नोटिफिकेशन फॉर पेमेंट्स इन योर आरएमएम। जब आपकी फर्स्ट या सेकंड पेमेंट जो है वो आपकी मिस हो जाती है, तो लैंडर्स जो है, जिसने आपको लोन दिया है, वो आपको एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा आपकी पेमेंट के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। आपको नोटिफिकेशन देगा, आपको अपडेट करेगा कि आपने अभी तक अपनी पेमेंट नहीं दी है। सेकंड, लैंडर ओपन्स द डोर टू नेगोशिएशन। अब मान लीजिए आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं जिसमें आप बिल्कुल भी एबल नहीं है आपको प्री पेमेंट करने के लिए, और आपको सच में ही आपकी प्रॉब्लम भी जेन्युइन है, तो जो लैंडर है आपको उधार देने वाला, लोन देने वाला, वो आपके साथ समझौता करने के लिए भी आपके लिए उसने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन अप्रोच योर लैंडर टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। आप अपने लैंडर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान हम किस तरह निकालें। इफ़ यू आर अ जेन्युइन डिफॉल्टर, यदि आपकी कोई समस्या जो है वो गंभीर है और जेन्युइन भी है, तो आपका लैंडर जो है आपको आपकी जो ईएमआई है उसको कुछ समय के लिए रोक भी सकता है, या आपके जो अमाउंट है उसको टेम्पररी रिड्यूस कर सकता है। ये आपके लैंडर पर डिपेंड करता है, तो वो शायद रिड्यूस कर दे। यदि आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं तो आपकी समस्या जो है गंभीर समस्या है, जेन्युइन है। इसके बाद सेशन ऑफ पोस्ट डेटेड चेक्स। इसके बाद क्या होगा, जो आपका लैंडर है वो आपको अगेन आपको सेंड करेगा नोटिस, जिसमें ये लिखा होगा योर पोस्ट डेटेड चेक्स विल बी प्रेजेंटेड टू द बैंक ऑन अ पर्टिकुलर डेट। आपके नाम का वो चेक निकालेंगे और आपके वो बैंक में दे देंगे, इशू कर देंगे, जिसमें ये होगा कि आपको इतना अमाउंट पे करना है आपके लोन का, और यदि आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं हुए तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा। और एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस फॉर डिफॉल्टर्स, यू कैन चार्ज एज अ क्रिमिनल। आईपीसी की धारा में ये मेंशन किया गया है, यदि आप डिफॉल्टिंग करते हैं, आपका चेक बाउंस होता है, तो आप एज अ क्रिमिनल घोषित कर दिए जा सकते हैं, जिससे कि आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या निष्कर्ष निकलेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। यदि आपका चेक बाउंस होता है तो आप क्रिमिनल माने जाएंगे। इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लोन डिफॉल्टर। आपने पर्सनल लोन आपने नहीं चुकाया, आपने डिफॉल्टिंग की है, तो इससे आपको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। यू हैव टू फेस द पर्सनल लोन डिफॉल्टर्स पनिशमेंट इन इंडिया। आपको इसके लिए एक पर्टिकुलर सज़ा मिल सकती है, आपको कैद की सज़ा हो सकती है कि आपने अपना पर्सनल लोन नहीं चुकाया है, बिकॉज आप एज अ क्रिमिनल माने जाएंगे चेक बाउंस होने पर। सीवरली अफेक्ट योर एबिलिटी टू सिक्योर लोन्स इन द फ्यूचर। आप फ्यूचर में कोई किसी भी टाइप का लोन लेने के लिए एबल नहीं होंगे, या आपके लोन लेने
लोन लेने की एबिलिटी को बहुत इफेक्ट करता है। इन्वॉल्व्स इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 420 ऑफ इंडियन पैनल कोड IPC। यदि आपने अपना लोन नहीं चुकाया है, उसकी रिपेमेंट नहीं की है, तो सेक्शन 420 के अंदर IPC की 420 धारा के अंतर्गत आपको जेल की सजा हो सकती है। तो आई होप आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी, यदि आप लोन की प्रीपेमेंट नहीं करते हैं या आप मिस कर देते हैं, टाइम से नहीं देते, तो यह आपकी किस किस चीज़ों को इफ़ेक्ट करेगा। आई होप आपको ये वीडियो